हाँ ला रहा हूँ ला रहा हूँ। क्या हुआ आरती? आरती क्या हुआ कुछ नहीं भैया, बता ना, क्या हुआ? मोहन कुछ नहीं। से झगड़ा हुआ? पापा पापा की याद आ रही है। आरती सब ठीक हो जाएगा, हौसला रख, बस अब तू शांत हो जा, ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है? मैं तेरे लिए नीचे कुछ लाया हूँ, चल साथ में खाएंगे, चल आ जा, ठीक है? जल्दी आना, ओके? हेलो भाई भाई, ये देख, MMS वीडियोस का मजा ही कुछ और होता है यार। हाँ भाई, पता तो चलता है इन बंदियों ने क्या क्या छुपा रखा है। हाँ भाई यार, ये लीक करने वालों को ना मेरा प्रणाम भाई, पॉन से भी ज्यादा मजा आता है। अबे थैंक यू करना हो तो मेरा कर साले। चल हाँ भाई, तुझे भी थैंक यू। चल ठीक है, गुड नाइट, मेरे को सोना है। बाय। और हाँ, आग ठंडी कर ले अपनी, बहुत आग है तुझमें। कर लूंगा, चलना जाना। भैया देखो, ये आपने क्या किया? मैंने हाँ आपने, और आपके जैसे हर उस इंसान ने जिसे ये लीक देखने में बहुत मजा आता है ना, आप जानते भी हो जिन वीडियोस और फोटोज को देखकर आप आहें भरते हो उसकी वजह से है ना कितनी जाने फांसी के फंदे पर झूल रही होती हैं।
वो लड़की क्या फेस कर रही होती है, जिंदा अभी होती है या नहीं। मैं उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों, गलती कैसे उसकी है? गलती तो आपकी भी है और आपके जैसे हर उस लड़के की। पर आज आपको फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये आपकी बहन के साथ हुआ है। पर इसमें गलती तेरी भी तो है। तुझे ये सब करने से पहले हमारी इज्जत के बारे में एक बार सोचना तो चाहिए था। हाँ, मेरी गलती, माना मुझसे गलती हुई। मेरी गलती तो ये थी कि मैंने भरोसा किया था, मुझे मेरे प्यार खोने का डर था। यही तो एक लड़की को होता है। उस बेचारे की क्या गलती, उसने तो बस मेरे न्यूड्स मांगे थे। तुझे एक बार सोचना चाहिए था। जो लड़का तुझसे ऐसे पिक्स मांग रहा है, क्या वो तेरे लायक होगा? फोटोज और लिंक्स तो आप भी मांगते हो ना भैया अपने दोस्तों से। वो नहीं देते तो क्या लिख के मांगते हो सोशल मीडिया पर? कि लिंक्स कहाँ है भाई, लिंक्स दे दे। माना मेरे लायक नहीं था वो। पर आप और आपके जैसा लड़का जो एक औरत की असमत को सरेआम लुटता देख आहें भरते हैं, वो तो इस समाज में रहने के भी लायक नहीं है। मुझे माफ कर दे, मैं बदल जाऊंगा। आज आपके साथ हुआ तो आप पतले, पर आपके जैसे भेड़िए तो मोबाइल पर ही नहीं सड़कों पर भी लड़की को ढूंढते हैं। लड़की फिर 18 की हो या 48 की, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे लोगों ने तो बहन, भाभी, स्टूडेंट, हर रिश्ते को बदनाम कर दिया है। मैं कसम खाता हूँ मैं बदल जाऊंगा। मैं तो जा रही हूँ भैया, पर कहीं इंतजार करूंगी ये सब बदलने का। क्योंकि इस समाज की तो आदत ही है ना, जब तक आग अपने घर में ना लगे तब तक तपन का एहसास नहीं होता। आरती, 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 आरती।